नमस्कार, मैं अदिति जायसवाल, स्वागत है आपका टीसीपी 24 न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरें, खबर फटाफट। दंतेवाड़ा की 300 महिलाओं ने बनाया विश्व का सबसे लंबा चुनरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर का दर्शन कर देवी मां को 11,000 मीटर की चुनरी अर्पित किया। यह चुनरी विशेष तौर पर डीनेक्स नवा गवर्नमेंट फैक्ट्री की महिलाओं ने तैयार किया है। मंकी पॉक्स वायरस से अब एमपी में अलर्ट जारी। कोरोना के बाद अब देश में मंकी पॉक्स वायरस का खतरा मंडरा रहा है। देश के सभी राज्य सरकार संक्रमण को लेकर सतर्क हो चुके हैं, वहीं एमपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दो कार के बीच जबरदस्त टक्कर। अनुपम गार्डन के पास तेज गति से आ रहे दो कार आपस में भिड़ गए। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एक बच्चे और बुजुर्ग को गंभीर चोट आई है, दोनों को अस्पताल भेजा गया है। खुलते ही शेयर बाजार में दिखी बढ़त। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज बाजार में अच्छी तेजी देखी गई। मारुति, टाइटन तथा एशियन पेंट आगे दिखी और टाटा स्टील, आईटीसी तथा पावर ग्रिड दबाव में दिखी। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 133.56 अंकों की बढ़त के साथ 54,459.95 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 24.8 अंकों की बढ़त के साथ 16,290.95 अंक पर खुला। वहीं बैंक निफ्टी 16,300 पर कारोबार किया। जेल में नवजोत सिंह सिद्धू की बिगड़ी तबियत। पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। वे पिछले कुछ दिनों से 33 साल पुराने केस में जेल की सजा काट रहे हैं। वहीं जेल से खबर आई कि सिद्धू के जेल की दाल रोटी खाने से तबियत बिगड़ गई, जिसके चलते पटियाला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। नेशनल हाईवे में ट्रक पलटने से 8 मजदूरों की मौत। पूर्णिया में नेशनल हाईवे पर ट्रक पलटने से भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक पर बोरवेल का सामान लदा हुआ था, जिसके नीचे मजदूर दब गए और उनकी मौत हो गई। पेट्रोल की कटौती कर सरकार ने जूस के बढ़ा दिए दाम। पेट्रोल के दाम कम कर सरकार ने राहत की खबर दी थी, लेकिन फ्रूटी और मिक्स जूस पीने के शौकीन लोगों के लिए बुरी खबर है। अब भारत सरकार ने जूस की बिक्री को लेकर नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज वाले इन प्लास्टिक पॉकेट पर रोक लगाने का फैसला लिया है। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, 2 मजदूरों की मौत। पचामा औद्योगिकी इलाके में स्थित आयसा इंडस्ट्री केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोगों की घायल होने की खबर सामने आ रही है। मौके पर पुलिस सहित आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। किरीट सौम्या की पत्नी ने भेजा नोटिस। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। भाजपा नेता किरीट सौम्या की पत्नी ने संजय राउत को 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है। संजय राउत ने किरीट सौम्या और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया था और कहा था कि किरीट सौम्या ने अपनी पत्नी की मदद से 100 करोड़ रुपए का टॉयलेट घोटाला किया है। भूल भुलैया 2 ने वीकेंड में की 56 करोड़ की कमाई। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 ने अपने पहले वीकेंड के दौरान 56 करोड़ की कमाई कर ली है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। और भी ऐसे ताजा और लेटेस्ट खबर के लिए बने रहे टीसीपी 24 न्यूज के साथ।